Hello and welcome. You're watching DNA and I'm Gauri Khandelwal, and with me is Ananya. So Ananya, today is the day we all were waiting for. Aaj Bigg Boss ka finale hai. Bigg Boss season 3, OTT season 3. So how excited are you? I'm so much excited. Aur sabse zyada to mujhe is baat ki excitement ho rahi hai ki aaj jo hai finale mein I think Sana ya Naezy dono mein se koi ek jo hai wo winner banne wale hain aur main to Sana ke side mein. Okay, matlab dekhiye ye to abhi bahut baat ki discussions hain ki kaun hai aur kaun jeetega, kyunki humne to jitne predictions lagaye the wo to absolute matlab wo sabhi गलत गए हैं, क्योंकि जिन जिन को हमने टॉप 5 टॉप 3 में देखा था वो अपेरेंटली एक्चुअली बिग बॉस हर बार जो होते हैं वो काफी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, बट ये तो मतलब जो था एक लॉजिक के अकॉर्डिंग भी उन्होंने नहीं किया, तो अनप्रेडिक्टेबल क्या right. इसका कोई मतलब ही नहीं बनता. अच्छा गौरी, आपने देखा आज का जो हमने देखा फिनाले का जो हाईलाइट आया है जो जियो सिनेमा ने शेयर किया है, उसमें हमने नोटिस किया कि कृतिका को लेकर के काफी सवाल उठ रहे हैं और जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो सारे कृतिका को लेकर के ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि कृतिका को टॉप 5 में तो नहीं होना चाहिए था और वो सबसे ज्यादा जो है अनडिजर्विंग है. इस तो पर क्या आपकी क्या राय? साई केतन को होना चाहिए था एक्चुअली? नहीं, उन दोनों को लेकर के आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे मेरी राय पूछे तो विशाल जो थे, विशाल और लवकेश कटारिया जो थे, वो दो ऐसे थे जो साई और कृतिका को रिप्लेस कर सकते. चलिए अनन्या, अगर हम ये सब बातें कर ही रहे हैं तो हम इस पूरे सीजन की थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज की बात कर लेते हैं. नहीं, क्योंकि इतनी वैसे सीजन में ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं हुई, पर जितनी भी हुई काफी धमाकेदार हुई. तो हम स्टार्ट करते हैं घर की पहली कॉन्ट्रोवर्सी से. अगर अनन्या आपको याद हो, पहली कॉन्ट्रोवर्सी जो हुई थी जिसपे मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी, वो हुई थी अरमान मलिक और दीपक चौरसिया के बीच में. okay. जो बाहर जो लॉन एरिया है उसमें हुई थी, वहां पे दोनों के बीच में बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई थी, जहाँ पे जो दीपक है वो अपना पॉइंट रख रहे थे पर अरमान उसको कट कर रहे थे. क्योंकि दोनों अपने आपको बॉस समझते थे, तो उनके बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई. मुझे लगता है उसके बाद दीपक ने कोई लड़ाई ही नहीं की एंटायर सीजन में. एक्चुअली राइट. इसके अलावा आपने नोटिस किया कि बहुत छोटी छोटी चीजें जो थी वो बढ़ करके बहुत बड़ी हो गई. लेकिन उससे पहले हमने देखा घर में जो है किचन को लेकर के काफी लड़ाई हुई. right. खाना को लेकर के सबसे पहली लड़ाई आई थिंक मुझे जो याद है वो किचन से शुरू हुई थी, और किचन में राशन खत्म जो हो गया हुई थी उसको लेकर के रणवीर जो थे वो अंडे को लेकर के उन्होंने लड़ाई की थी, जिसमें वड़ा पाव गर्ल जो थी चंद्रिका दीक्षित वो खाना बांट रही थी, पर उनके चंद्रिका ने पूरा किचन का होल्ड संभाल लिया था. और जो रणवीर थे उनको अपनी बेसिक जरूरत जो अंडे है, और अंडे पे तो बहुत टाइम तक डिस्कशन चली है. मतलब हम हर दिन आके अंडे पे बात कर रहे हैं, मुझे खुद ऐसा लगता है क्यों. पर इसके अलावा उस अंडे के लिए बिग बॉस ने भी एक टास्क करवा दिया, जिसके बाद जो रणवीर थे उन्होंने सना मकबूल का अंडर गार्मेंट जो है वो कुएं में डाला और उसके बदले उन्होंने अंडे डिमांड. ये थर्ड नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी राइट, जिसमें जो ये अंडरवेयर वाली कॉन्ट्रोवर्सी थी. और एक्चुअली अनन्या अगर आप देखा जाए तो इस चीज को बहुत हाईलाइट नहीं किया गया. right. जो अपेरेंटली करना चाहिए था उनको, बिकॉज दैट वाज अ सेंसिटिव थिंग टू यू नो शोकेस. आप गेम में हो पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी लिमिट्स बाउंड्रीज क्रॉस कर दोगे, जो रणवीर शौर्य पूरे सीजन में एंटायर सीजन में करते आए हैं. लेकिन इसके बाद भी कभी भी वो टारगेट नहीं हुए बिग बॉस के. बिग बॉस जो है हमेशा सना मकबूल को ही टारगेट किए हैं इस टॉपिक पे. जहां तक मुझे लगता है सना जो है हर वीक टारगेट होती थी, और हर वीक जो है उन्हें बार 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 पोक किया जाता था. और हमने देखा कि आखिरी जो वीकेंड का वर था उसके बाद जो है क्लियरली बोला था ऐसा बिग बॉस ने कि सना जो है वो उन्हें काफी चैलेंजिंग लगती थी और उन्हें हैंडल करना काफी मुश्किल था. एक्चुअली सना पे जो जितने मर्जी इल्जाम लगे हों, जितने मर्जी उनपे लोगों ने यू नो चीजें थोपी हों, बट शी बहुत कामली और कंपोज तरीके से उन्होंने उनको उस चीज को हैंडल किया, और वो वैसी ही रही थ्रू आउट द सीजन. जो एक बहुत अच्छे कंटेस्टेंट की क्वालिटी होती है बिग बॉस में, कि आपके ऊपर जो मर्जी भेज जाए पर आप अपने आप को उस तरीके से होल्ड करते हैं कि आप पूरे सीजन वैसे रहे, वरना लोग आपको दोगला बोलना फेक बोलना शुरू कर देंगे. क्योंकि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर अपनी पर्सनैलिटीज बदल रहे हो, दैट मींस यू आर फेकिंग इट. राइट राइट. बट सना मकबूल गौरी, अगर आपको याद हो तो इसी कुएं जो विशिंग वेल थी इसे लेकर के एक और लड़ाई हुई थी घर में, जो कि काफी बड़ी थी, वो थी पॉलमी दास
और शिवानी कुमारी की लड़ाई, और उस लड़ाई का जो मेन मुद्दा था वो था शिवानी जो थी वो पॉलीमी के कपड़ों को लेकर के बाहर से वो जो उन्हें स्टॉक करके गई थी, तो उनके जो बिकनी थे उनके जो कपड़े थे, फोर्थ बिग कंट्रोवर्सी थी जिसमें हाँ जी जो बिकनी पे उनके कमेंट्स करना, और उसके बाद जब लोग उनको समझा रहे थे तो शिवानी ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हमने तो कुछ नहीं बोला और ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था, और ऐसी लड़की जो उन्होंने बोला था, और उसके बाद तो मेजरली उन्होंने उनको इतना बुरा धक्का दिया था जब उनको वो एक टास्क कर रहे थे उसके बीच में, जिसके बाद उन्होंने मुड़ के आके देखा भी नहीं कि पॉलोमी ठीक है उनको लगी या नहीं लगी, वो इतनी ज़्यादा इनग्रॉस हो गई थी उस गेम में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत मेजर कॉन्ट्रोवर्सी था। उसके बाद पॉलोमी ने उनको जो अभद्र शब्द बोले वो बिग बॉस को तो बीप करना पड़ा पूरा। एक्चुअली गौरी आपने नोटिस किया होगा उस पूरे शो के दौरान वी आर लाइक बीप बीप बीप, हमें तो कंटेस्टेंट की आवाज कम आ रही है और बीप ज्यादा आ रही है। पॉलोमी ने इतनी उनको मतलब गालियां, इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो उनको पहली जो उसके कॉमेंट्स थे उनसे चिढ़ती, ऊपर से ये वाला इंसिडेंट होने के बाद तो पॉलोमी का मन था कि शिवानी को पकड़ के वो पीट दें, और मैं सच बता रही हूँ वो बस हो नहीं पाया वरना वो चाहती यही थी। इसके बाद जो है वो अगर पांचवी लड़ाई या पांचवी जो कंट्रोवर्सी है उसकी तरफ बढ़े तो शिवानी की पोल खुल गई थी, जिसमें वो जानबूझ करके ऐसे चल रही थी जैसे उनके पैर में चोट लगा है, बट एक्चुअली चोट लगा नहीं था। कैमरा को देखती फिर वो चलती लंगड़ा, उन्होंने वो जब अंदर से आ रही थी जहाँ पे सारे और घर वाले थे तो वो लंगड़ा के आती, जैसे वो बाहर आई वो भागने लगी। बिग बॉस कहते क्या हो रहा है, मतलब वो शायद भूल गई थी दो मिनट के लिए कि कैमराज हैं घर में, और जगह कैमराज हैं। वो बहुत बारे घर वाले वो भूल जाते हैं जिसकी वजह से उनकी काफी सारी रियल पर्सनालिटी जो है वो सामने आ जाती है। तो ये ड्रामा जो है इस ड्रामे के बाद एक्चुअली जो घर में लड़ाइयां थी वो अब थोड़ी सी और हम बोल सकते हैं कि ज्यादा खतरनाक वे में होने लगी थी, क्योंकि यहां तक तो चलो ठीक है समझ में आ रहा था कि अभी जो शुरू हुआ है, लेकिन इसके बाद जो लड़ाइयां हुई कृतिका मलिक की हुई, अगेन विशाल पांडे का जो थप्पड़ कांटा विशाल अरमान का, ये सब इसके बाद हुआ। तो आपको सबसे पहले आप बताते हैं इस घर का जो सबसे बड़ा और सिक्स्थ कंट्रोवर्सी था वो ये था कि विशाल जो है उन्होंने कृतिका को लेकर के कमेंट किया था, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी लाइव में बताया था। वो कमेंट था कि भाभी बहुत अच्छी लगती है, पर इस कमेंट को काफी तोड़ मरोड़ करके कई लोगों ने अपने अपने अलग अलग एंगल दिए, अलग अलग तरीके से बताया, और ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अरमान ने गुस्से में विशाल को चाटा मार दिया, और इसके बाद ये मुद्दा और ज्यादा बढ़ा, यहाँ तक कि अरमान जो थे पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट भी हो गए। कृतिका बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड में आ गई, उन्होंने बहुत ही लड़ाइयाँ की। अगेन इसके बाद अगर आपको याद होगा तो सेम डे जो है जिस दिन पायल आकर के स्टेज पे इस लड़ाई को उन्होंने एक तरह से बोल सकते हरी झंडी दिखाई थी, सेम डे जो है साई केतन और वड़ा पाव गर्ल का भी एक कॉन्ट्रोवर्सी था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो ये स्लैब कॉन्ट्रोवर्सी था इसकी वजह से तो मुझे लगता है सीजन को याद किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मैटर बन गया था और लोग जो है वो टोटली दो पक्ष में बट चुके थे, एक जो बिल्कुल विशाल पांडे के ही साथ थे 100% और एक जो बिल्कुल अरमान के साथ थे कि नहीं उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अगर मेरा पति होता तो ये कर देता, उसका पति होता तो वो कर देता। तो इस सीजन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो ये स्लैप इंसिडेंट ही है। बाकी जो आपने बात करी साई केतन और चंद्रिका दीक्षित की, देखिए चंद्रिका जो है वो जो उनकी मुझे स्ट्रैटेजी बाद में पता चली थोड़ी थोड़ी, वो ये थी कि मुझे घर में लोगों से अच्छी बना के रखनी है ना, जैसे मुझे घर में से इविक्ट नहीं किया जाए, क्योंकि हो क्या रहा था ना कि घर के बीच में से बिग बॉस पूछ रहे थे कि आप इनको निकालना चाहते हैं कि नहीं निकालना चाहते, तो उन्होंने वो तो इंतजाम पूरा कर रखा था, घर में से वो नॉमिनेट नहीं होती थी। अब जो साई केतन ने उनको पूछा कि भाई मैं आपको मसाज दे देता हूँ, तो वो मसाज के लिए उन्होंने मना तो कर दिया, पर जिस तरीके से उन्होंने आके सना मकबूल के सामने उसको पोर्ट्रे किया कि भाई वो मुझे कह रहा था कि भैया मसाज दे दो, मैंने बोला मेरा तो मर्द बाहर बैठा है, तो गॉड भाई पूरी तरह से फील में आ चुके हैं, गौरी ही बड़ा पागल है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने बताया, तो वो जो क्लिप थी, देखिए जब से वड़ा पाव गर्ल के मैंने इंटरव्यू बाद में देखे हैं मैं उनको पूरा कॉपी कर सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं इट्स ऑल मे, ठीक है इट्स ओके, चलो वो उनका लैंग्वेज है, बट द पॉइंट इज कि इट वाज रॉन्ग, ये बहुत गलत था, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है उन्होंने विशाल पर कई तरह के इल्जाम लगाए, उन्हें नॉमिनेट किया और बोला कि जो लड़का इस तरह से लड़कियों को लेकर के बोलता है, उनकी वो लाइन आपको याद होगी लोगों की आंखों में आशिकी है
राइट किसकी आंखों में आशिकी दिख रहे थे तो अब इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था वीकेंड के बोर्ड पे अनिल कपूर ने चंद्रिका को बताया कि लड़की करे तो ठीक लड़का करे तो गलत लाइक इस तरह की चीजें जो थी वो सेम साई के लिए बोल चुकी थी और विशाल ने कर दिया तो अब विशाल को इस तरीके से बार बार उसी मुद्दे को खींच करके लेकर के आ रहे हो। इन सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद जो है अरमान तो ठंडे पड़ गए लेकिन रणवीर शौरी जो है वो सना मकबूल के पीछे पड़ चुके थे। कभी फेक बुलाना कभी उनके मुंह को लेकर के चिढ़ाना अदर अदर तरह की जितनी भी चीजें थी वो बार बार रणवीर और सना मकबूल के बीच में पूरे एंटायर सीजन में एक फायरी कॉन्वर्जेशन रही है चाहे वो स्टार्टिंग से हो चाहे वो बीच में हो। अगर आपको याद होगा एक वो फन वाली बात थी है ना कि डसना और ढसना और स्टिंक तो ये वाली जो है ये वाली भी बात काफी उठी थी और उनके बीच में हमेशा एक लड़ाई रही है क्योंकि उनको उनका एटीट्यूड नहीं पसंद था और सना मकबूल तो बिल्कुल डोमिनेट होने वाली पर्सनालिटी ही नहीं है तो उनको भी उनका नहीं पसंद था अपेरेंटली। तो इन दोनों की कॉन्ट्रोवर्सी और इन दोनों की लड़ाई तो थ्रू आउट द सीजन चली है। इसके बाद वाली जो कॉन्ट्रोवर्सी थी अगर उसकी बात करें तो आपको याद होगा कृतिका मलिक और शिवानी की लड़ाई जो किचन में हुई थी इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप गौरी? कृतिका और शिवानी की लड़ाई होनी मतलब कृतिका मुझे लगता फॉर्म में तब आई है जब से वो वाला स्लैप वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से उनके और शिवानी की पहले एक टास्क में लड़ाई हुई उसके बाद किचन में जब उन्होंने शिवानी को बोला कि आप प्लीज थोड़ा सा नहा के आ जाइए खाना बनाने से पहले तो शिवानी ने बोला कि नहीं मैं तो ऐसे ही बना लूंगी और उससे जस्ट पहले ही शिवानी ने मतलब थोड़ा सा शी वाज स्क्रैचिंग हर लेग और मतलब थोड़ा सा एक हाइजीनिक वाला मैटर हो जाता है तो फिर जो कृतिका है वो बोलने लगी कि नहीं नहीं तुम जाके पहले नहा के आओ तभी तुम बनाओगे वरना मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी और इस पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया जिसमें रणवीर का टोटली कहना था कि उसको नहाना है नहीं नहाना वो उसकी चॉइस है बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर हाथ वगैरह धो के भी अगर काम करोगे तो इट विल बी बेटर बिकॉज किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि आप अपनी बॉडी को स्क्रैच कर रहे हैं या अपने बालों में हाथ डाल रहे हैं यू आर कुकिंग समथिंग नोबडी विल लाइक दैट राइट। तो ये और उसके बाद भी वो पूरा मुद्दा चला था कि वो शिवानी को पूरा नोट कर रहे थे कि भाई वो क्या कर रही है क्या वो प्रॉपर कर रही है क्या वो हाइजीनिक तरीके से कर रही है कि नहीं मतलब शिवानी पे रडार हमेशा रहा था चाहे वो किसी भी बात में क्योंकि वो किसी की बांधती नहीं थी बहुत जल्दी से। खैर इसके बाद तो जस्ट लास्ट ही हम बोल सकते हैं लास्ट वीक आ गया और सारे कंटेस्टेंट घर से बेघर होने लगे और अब बिग बॉस के घर में टोटल 5 कंटेस्टेंट थे और आज फिनाले है राइट। अरे हमने एक कॉन्ट्रोवर्स मिस कर दी साई केतन राव और लवकेश कटारिया की। ओ या उसके बारे में ऑडियंस को बता जिसके बारे में अभी आके मुनावर ने भी काफी सारी चीजें बोली थी कि भाई उनको आपको सॉरी नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि आपने जो उनको बोला आपने उस पर चार्ज करने की कोशिश करी थप्पड़ मारने की कोशिश करी और मतलब वो काफी एक बहुत ही ज्यादा ग्रूसम लड़ाई में चेंज होने वाला था बट बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया और फिर लवकेश ने बाद में साई को सॉरी भी बोला जिसके लिए उन्होंने बोला प्लीज तू मुझे ऐसा मत बोल मुझे नहीं सुनना और उन्होंने बहुत ही गंदी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया था मतलब दोनों की इक्वली वो फाइट थी। और उसके बाद नेजी की अगर हम लास्ट में बिल्कुल बात करते हैं तो नेजी ने पूरे शो में मतलब कुछ इतना भी नहीं किया एफर्ट नहीं डाला मीडिया के साथ जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही भड़क गया वो। खैर ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात अलग है ये तो आप सब जानते हैं लेकिन जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज घर की मेन जो हम बोल सकते हैं कि मेन लड़ाइयां थी वो हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा ऐसे और वीडियोज है और बिग बॉस के जितने भी अपडेट्स अभी आ रहे हैं फिनाले से जुड़ी जितने भी अपडेट्स हैं आपको हम तुरंत लाइव में बताएंगे तो जुड़े रहे हमारे साथ। बिल्कुल आपने अगर ये सीजन कहीं पे भी मिस किया है तो आप ये हाईलाइट देखिए और आपको पूरे सीजन का एक क्विक ग्लिम्प्स मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डीएनए।